बच्चों, तो आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो आप सब की ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण वर्ग 6 के लिए है। तो आप सब जो है एक बार से किताब को पढ़ चुके हैं, अब आपको फिर से प्रत्यास्मरण कराया जा रहा है। तो आप सब ऑनलाइन कक्षा में पढ़े थे पाठ 16 वाच्य, और वाच्य क्या है? तो वाच्य के इसमें परिभाषा है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त होंगी, उसे हम कहते हैं वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, ज्ञान होता है कि कर्ता कर्म या भाव के अनुसार वाक्य को बनाया जाएगा, उसमें परिवर्तन होगा, उसे ही हम कहते हैं वाच्य। और वाच्य ये हो गया। और वाच्य के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर देखिए, वाच्य के हैं तीन भेद। कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। तो पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? कर्तृवाच्य। ये क्या है? क्रिया में लिंग वचन कार्य के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होते। वाक्य में क्रिया लिंग वचन कार्य के अनुसार जिस वाक्य में परिवर्तन होगा, उसे ही हम कहते हैं कर्तृवाच्य। जैसे लड़की खेल रही है, क्या हम बोले? लड़की खेल रही है और चौकीदार रखवाली कर रहा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लड़की खेल रही है। तो यहाँ देखिए, इसमें लिंग के अनुसार इस वाक्य में परिवर्तन हो गया। लड़की, लड़की क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई, तो लड़की खेल रही है। और यहाँ क्या लिखा है? चौकीदार रखवाली कर रहा है। क्या लिखा है? चौकीदार रखवाली कर रहा है। चौकीदार जो है वो क्या है? पुल्लिंग हो गया, और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप समझ लीजिए, कर्तृवाच्य हो गया कर्म लिंग वचन के अनुसार जिस वाक्य में परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। आगे आपको क्या है फिर अब हम देखें।